guys, welcome and welcome back to my channel. I really hope you guys are doing great. And if you're watching me for the first time, hi, my name is Arpita and I'm a beauty content creator. And आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं BH Studio Pro brushes. Now these brushes are super duper affordable. You will get to know the price at the end of the video. And how these brushes are, I'm gonna use this, apply it on my face, and let's see whether these brushes are, you know, really good or not. So if you want to know how the brushes are, then keep on watching this video till the end. And if you're new to my channel, then please don't forget to subscribe and hit the bell icon to never miss any update. So without any further ado, let's just jump right into the video. स्टार्ट यूजिंग द ब्रश लेट मी शो यू द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट तो जो प्रोडक्ट है उसका आउटर पैकेजिंग लुक समथिंग लाइक दिस एंड इट कम्स इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स मैंने जब इसका जो प्रोडक्ट देखा था ऑन द वेबसाइट वॉज लुकिंग लाइक इट विल कम इन अ स्टील बॉक्स लाइक एन अर्बन डीके बॉक्स काइंड ऑफ थिंग बट सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड एंड वंस आई ओपन इट I will reach to the actual set of brush and in this set you will get 13 different brushes for eye makeup, face makeup and also you will get some powder brushes. I will use each of the brushes and ye brush aap kaun se purpose ke liye use kar paoge. You will be able to see that. Also at the back of the box you will be able to see ki kaun sa brush kaun se usage ke liye aap use kar sakte ho. Yahan pe 13 different brushes ka aapko pictures bhi mil jayega. सो फर्स्ट ब्रश जो मैं यूज करने वाली हूँ इज फॉर द आईब्रोज बिकॉज मैं अपने पूरे फेस मेकअप में सबसे पहले मेरा ब्राउज करती हूँ दिस इज वॉट द आईब्रो ब्रश लुक्स लाइक एंड इट इज इन द नंबर 13 आई मीन दिस इज द लास्ट ब्रश ऑफ द सेट इस सेट में सबसे अच्छा चीज जो मुझे लगा है कि यहाँ पे ब्रश का नंबरिंग दिया हुआ है जैसे कि आप लोकल जो ब्रांड्स का ब्रशेस खरीदोगे सो वहां पे आपको ब्रश का नंबर नहीं मिलता है दैट्स वाई समटाइम्स व्हेन वी डू मेकअप हम लोग आपको ब्रश का नंबर नहीं बता पाते हैं कि कौन सा ब्रश मैं यूज करी बिकॉज समटाइम आई यूज लोकल ब्रशेज ऑल्सो तो ये एक प्लस पॉइंट है इसमें दैट यू विल बी एबल टू सी दैट कौन से नंबर का ब्रश आप कौन से स्टेप के लिए यूज कर सकते हो सो ऑन द वन साइड ऑफ दिस ब्रश यू विल गेट अ स्पूली विच इज लाइक अ लिटिल बिट यू नो स्टेडी एंड ऑन द नेक्स्ट साइड देयर इज एन एंगुलर ब्रश जिससे आप आईब्राउज कर सकते हो एंड ऑल्सो गाइज दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो दे हैव नॉट पेड मी फॉर मेकिंग दिस वीडियो बट आई रियली परचेज दिस प्रोडक्ट एंड आई फील लाइक दिस प्रोडक्ट शुड बी देयर इन माई वीडियो लिस्ट बिकॉज आई रियली लाइक प्रोडक्ट्स विच आर affordable and also which are in a premium quality the quality wise the product is very nice so first I will brush up my eyebrows with the spoolie and the brow product that I will be using is from Swiss Beauty and it is the Swiss Beauty eyebrow and gel liner Okay, so the bristles of the brush is pretty smooth to work with, but I have a little bit, you know, different feeling about this product. And इसका जो bristles है बहुत ही soft है so इसी वजह से like ये बहुत इधर उधर चला जा रहा है I think that if it is little bit tighter holded, then eyebrows करने में और भी ज्यादा easy होता This is very good for someone who do like a messy brow kind of eyebrow effect. Then ये बहुत ही ideal product है but as I do a very defined eyebrows like shaped and edged eyebrows, then this product I think ये थोड़ा सा यू नो इन बिटवीन है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रश सो फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई विल बी यूजिंग द ब्रश नंबर 7 एंड इससे जो मेरे ब्राउज का ये जो लोअर एंड है जहां पे थोड़ा एक्सेस ब्राउज शो हो रहा है उसको मैं कंसीलर की मदद से क्लीन आउट करूंगी एंड ये एक फ्लैट ब्रश है एंड इसका टेक्स्चर भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड ये थोड़ा सा थिक मतलब पैक्ड ब्रश है जैसे कि लास्ट वाला मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका जो एंड्स है थोड़ा सा लूज है इसीलिए प्रोडक्ट बिल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन इसका जो बिल्ड है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है सो आई विल टेक सम कंसीलर ऑन द बैक ऑफ माई हैंड एंड उसके बाद मैं इसको ब्रश में ऐसे करके लेके अपने ब्राउज को क्लीन करूंगी So
this is how it looks like after the cleanup, and I really like the brush, how it works on the area. और ये ब्रश आप जो कट क्रीज करने के लिए जो कंसीलर लगाते हो लिड्स पे, उस प्रोसेस के लिए भी आप ये ब्रश यूज कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रश. नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, मैंने अपना स्किन प्रेप बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है. अब मैं करूंगी अपना कलर करेक्शन, एंड कलर करेक्शन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्रश नंबर 7, जिससे ब्रश से मैंने अपना ब्राउज क्लियर किया था. सो इसके बाद हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा कंसीलर इसके ऊपर, जैसे कि मैंने इस साइड पे किया है. एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश नंबर 6. ये है एक कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश, और इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. एक फ्लैट बट एक फ्लफी टेक्सचर है इसका, एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल. मैंने ये साइड इसी ब्रश से ब्लेंड किया है. See how effortlessly it blends out, and also ये brush एक अच्छा खासा आपको coverage देगा. If you are using a minimal coverage concealer and उसको आप इस brush से blend करोगे, you will be able to see the difference instantly. So this is how it looks like after blending it with this brush and some beauty blender. Beauty blender मैंने इसीलिए use किया क्योंकि हल्का सा जो orange color है वो थोड़ा सा see through हो रहा था, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर foundation लगाऊंगी so obviously वो चीज़ blend करने में ज़्यादा time लगेगा, तो इसीलिए मैंने उसको beauty blender से अच्छी तरीके से set कर लिया. Next step के लिए मैंने लगाया foundation, and इसको मैं blend करूँगी brush number 4 से, and इसका texture is something like this. ये बहुत ही fluffy texture का है, इसका मुँह थोड़ा सा डायमंड शेप में है, एंड ये थोड़ा सा मोटा है, तो आई थिंक इससे ब्लेंड करने बहुत ज्यादा सुविधा होगा. ओके, सो दिस इज हाउ माई बेस मेकअप लुक्स लाइक आफ्टर ब्लेंडिंग इट विद दिस फाउंडेशन ब्रश. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ब्रश से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद नहीं, बिकॉज ऑफ दिस यू नो फाइन जो एक ब्रश का टेक्स्चर फेस पे आता है. अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, इट हेल्प्स मी टू गिव अ गुड कवरेज. मैंने एक मिनिमल कवरेज फाउंडेशन अप्लाई किया था, सो ऑन दैट पॉइंट इट इज़ प्रिटी गुड, बट ब्लेंडिंग वाइज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया. सो वॉट आई विल डू इज आई विल यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस आउट मोर एफर्टलेसली. अब हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा लूज पाउडर, एंड बीच में मैंने एक और स्टेप किया था जिसमें मैंने कंसीलर लगाया था, लेकिन उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही ब्लेंड किया, इसीलिए मैंने वो स्टेप आप लोगों को दिखाया नहीं. नाउ वी विल यूज अ लूज पाउडर. आपको इस सेट में दो पाउडर ब्रशेस मिल जाएगा, एक छोटा है एक बड़ा है. अगर आप लोग चाहो तो बड़े वाले से कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो छोटे वाले से कर सकते हो. मैं बड़ा वाला यूज करूंगी ब्लश लगाने के लिए, सो आई एम नॉट गोना यूज दिस वन. आई एम गोना यूज द ब्रश नंबर 3. मैं इसको थोड़ा सा पाउडर में डिप करके पुट इट अंडर माय आईज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया था, सो थोड़ा सा पाउडर मेरे आँख में चला गया, इसीलिए मैंने बड़ा वाला ब्रश से उसको वाइप आउट कर दिया. अगर आप लोग ये ब्रश यूज़ करोगे तो थोड़ा सा पाउडर लेके यूज़ करना. सेटिंग माई होल फेस विथ सम पाउडर, अब मैं करूंगी हाईलाइटर ब्लश एंड ब्रॉन्जर यूज. बट यहाँ पे ब्रॉन्जर एंड हाईलाइटर के लिए एक ब्रश है, लेकिन ब्रॉन्जर के लिए कोई ब्रश नहीं है, सो इसीलिए मैं अपने एक ब्रश से कॉन्टोरिंग या ब्रॉन्जिंग कर लूंगी, एंड देन आई विल यूज अ ब्लश एंड शो यू हाउ द ब्लश ब्रश वर्क्स. ओके, सो नाउ आई एम गोना यूज अ ब्लश, एंड ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्रश नंबर 2. दिस इज हाउ द ब्रश लुक्स लाइक. इट इज प्रिटी मच थिक, एंड इसको यूज करने में बहुत सिंपल है. यू डोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट टू इट. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डिप द ब्रश इन द प्रोडक्ट, एंड बहुत सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी इसमें आ जाता है. यू हैव टू डस्ट इट ऑफ अ लिटिल बिट, एंड देन जस्ट स्लाइटली डैब ऑन टू द एपल्स of your cheeks to the end of your cheekbone.
Now, after doing this process, I will apply some highlighter. So if you talk about the highlighter brush is little bit damaged. As you can see, yahan pe side se brush ka jo bristles hai nikla hua hai, and this one is a little bit like thoda sa move kar raha hai. So this is not a good, like this is not in a good situation. Although maine jaise isko buy kiya tha, isme return policy nahi tha, so maine isko return nahi kiya. I will use this brush only, and this is in the number 1. And this is what I thought कि मैंने एक बार में इसमें इतना सा ही बस प्रोडक्ट आया है. एज यू कैन सी आई रियली डोंट लाइक यूजिंग एन हाईलाइटर ब्रश बिकॉज दिस सीम नॉट टू वर्क ऑन माई स्किन. आई डोंट नो वाई, लेकिन कुछ कुछ ब्रश डेफिनेटली वर्क करता है एंड इसका थोड़ा सा ये इशू है, सो दैट्स द रीजन इट माइट नॉट बी वर्किंग. सो आई एम गोना यूज अ डिफरेंट ब्रश विच इज इन द नंबर 5. ये एक आई शेडो ब्रश है, लेकिन कभी कभी आई शेडो ब्रश से हाईलाइटर लग जाता है अच्छे से. एंड सी हाउ एफर्टलेसली इट ब्लेंड्स ऑन टू माई स्किन. Okay, now let's move on to the eye look. So now for the eye look, I'll be using one of my favorite and highly pigmented palette. This is the Makeup Revolution palette in the shade, I don't know what's the shade, but this is what it looks like. Ye brown ek palette hai, and isme bahut sare different brown matte and shimmer shades. So this is one of my really favorite palette, but maine bahut din se isko use nahi kiya, so I thought of using this one for today's look. सो फर्स्टली मैं यूज करूंगी ब्रश नंबर 5 अपने आईज को एक डेफिनेशन देने के लिए, और मैं यूज करूंगी ये हल्का सा जो ब्राउन कलर, ये हल्का सा ब्राउन कलर. सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड आफ्टर ब्लेंडिंग इट विद दिस ब्रश इज ये जो ब्रश है ये थोड़ा सा यू नो डिटेलिंग करने के लिए है. ये एकदम ज़्यादा ब्लेंड, जैसे फुल जो हम लोग आउटर साइड ब्लेंड करते हैं उसके लिए ये ब्रश है नहीं, बट इस सेट में अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मुझे यही ब्रश सबसे सामने नजर आया. सो आई एम गोना डू दिस, बट इवेंचुअली दिस इज नॉट द ब्रश टू ब्लेंड आउट द आउटसाइड ऑफ द आई शेडो. ओके, सो फर्स्ट स्टेप आई शेडो का हो गया. नाउ वी विल यूज द नेक्स्ट स्टेप विच इज डूइंग द डिटेलिंग ऑफ द आई लुक, एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ शेड नंबर 8. एंड ये थोड़ा सा फ्लफी है, लेकिन ये एकदम छोटा है. एज यू कैन सी दिस ब्रश इज लाइक बहुत ही छोटा है, एंड इसका जो यू नो टिप है ये बहुत फ्लफी है, लेकिन एक जगह क्लटर्ड है. सो दिस विल हेल्प यू टू डू द डिटेलिंग वेरी नाइसली. नाउ फॉर द कट क्रीज वी आर गोना यूज द शेड नंबर 9, एंड इसका जो वॉन्ड है ये थोड़ा सा यू नो पतला है, एकदम छोटा सा है, और इसको करने में बहुत ही सुविधा होगा बिकॉज दिस इज वेरी हैंडी टू यूज. ओके, सो नाउ द कट क्रीज इज डन. इसको मैं थोड़ा सा पाउडर की मदद से सेट कर लूंगी, एंड इतना छोटा सा यू नो पाउडर ब्रश यहाँ पे नहीं है, सो आई एम गोना यूज वन ऑफ माइन. नाउ आई एम गोना यूज अ शिमर शेड, एंड इस प्रोसेस को करने के लिए वी विल यूज द ब्रश इन द नंबर 11. And for the last step, we have a lipstick applicator. Now this is what it looks like. जब ये मेरे पास आया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था what is this, how to even use this thing, ये कोई pen है या क्या है, but then when I like rotated it a little bit, एक छोटा सा brush आया which is in the number 10. So this one is a lipstick applicator brush, and I will use the Makeup Revolution lipstick in the shade number 132, which is a red shade. As I did a brown makeup, so I'm thinking of applying a red lipstick. Usually makeup में मैं lipstick जैसे lipstick से ही लगाती हूँ, but if you are a professional, like if you are a makeup artist, or if you use someone else's lipstick, the best thing will be use a lipstick with a brush.
This is how the final look turned out. I really enjoyed using all of the brushes, but teen brushes ko leke mujhe thoda sa disappointment hai. First brush is this foundation brush. Isme thoda sa technical issues hai ki isme se thoda sa jo bristles hai thoda sa bahar nikla hua hai. Isi wajah se jab main isko use kar rahi hu halka sa lines mere face pe dikh raha hai. The next brush is this eyeshadow brush. This is in the shade number 5 and isko aap agar blend karoge it will take 10 minutes to do just one eye. I think that's highly disappointing. And the last one is this brush number 1, which is the highlighter brush. And the packaging ke wajah se shayad, I don't know, for whatever the reason is, the brush is damaged and iska jo ye hai ye hil raha hai. If you can see, this one is like moving. It's also a very disappointment for me. So apart from these 3 brushes, the rest of the 10 brushes are really amazing. Bahut jaldi se mere ko matlab क्रिएट करने में इजी हो रहा है. आई रियली लव द कंसीलर ब्रश बिकॉज इससे पहले मैंने कंसीलर ब्रश यूज नहीं किया था एंड आई रियली एंजॉय यूजिंग ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो अगर आपको ये वाला ब्रश सेट खरीदना है देन चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दिस प्रोडक्ट रिटेल फ्रॉम 399 to 499 ऑन द डिफरेंट वेबसाइट. आई गॉट इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड आपको लिंक मिल जाएगा इस प्रोडक्ट का. अगर आप लोग चाहते हो यूज कर सकते हो. बिगिनर फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है एंड अच्छा प्रोडक्ट है, ट्रस्ट मी गाइज. So that's it for today's video. I really hope you guys enjoyed it. And if you do, then please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel for more such contents like this. And also if you haven't followed me on my Instagram link is mentioned in the description box. You can go ahead and check it out and follow me if you like my content over there. So that's it for today's video. I'll see you guys on the next one.